जय बिहारी जी की श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास। तो आज एक स्पेशल भी है हमारा लाइव जो है, और उसका रीज़न ये है कि आज हम अपनी जो हमारी जो बुक आ रही है, आज जो हम मतलब हमारी जो बुक अब निकलेगी, तो उसका जो हम कवर फ़ोटो रख रहे हैं तो वो एक पेंटिंग है जो बनवाई गई है, बहुत स्पेशल पेंटिंग है वो। तो वो आज आपके सामने हम दिखाएंगे, और शायद उसकी फ़ोटो हम पहले डाल चुके हैं, लेकिन आज पूरी पेंटिंग दिखाएंगे। और वो कल हमने प्रसादी की थी ठाकुर जी के चरणों में एकादशी के दिन, और आज फिर से उसको ठाकुर जी के चरणों में हम रखेंगे पेंटिंग को, ताकि बिहारी जी का उस पेंटिंग में पूर्ण रूप से आशीर्वाद मिले हमें, साक्षात बिहारी जी उस पेंटिंग में आए और वो पेंटिंग का हम फ़ोटो लेकर अपनी कवर फ़ोटो बनाएंगे बुक पर रख रहे हैं, और उसी पेंटिंग को फिर हम कैनवास पे फ्रेमिंग वगैरह सब करा के हम आप सभी लोगों के लिए वो रखेंगे। तो जिन्होंने वो पेंटिंग बनाई है वो उनको दी जाएगी, यानी कि जो आप लोग जैसे पेंटिंग अगर लेना चाहते हैं वो तो आप हमें बता दीजिएगा, हम उसी हिसाब से भी पेंटिंग रखेंगे, हम उसी हिसाब से वो पेंटिंग रखेंगे उतनी। और ये वाली जो चरणों से जो आज प्रसादी करेंगे इसको मैं लगाऊंगा अपने रूम में, बाकी आप वो पेंटिंग को अपने रूम में लगा सकते हैं, आप अपने घर के ठाकुर जी के रूम में लगा सकते हैं। वो जितनी भी आपको हम पेंटिंग देंगे वो सब बिहारी जी के चरणों से प्रसादी कर कर ही देंगे, ताकि उसमें बिहारी जी का आशीर्वाद मिले और आप लोगों के पास, आप लोगों के घर में बिहारी जी आशीर्वाद के रूप में, आप लोगों का ख्याल रखने के रूप में, आप लोगों के एक फैमिली मेम्बर के रूप में बिहारी जी वहाँ पहुँच सकें। तो वो पेंटिंग जो है वो आप हमसे ले सकते हैं, और अभी इस टाइम काम चल रहा है। वो आप लोग हमसे वो पेंटिंग ले सकते हैं, बिहारी जी की प्रसादी है, हम प्रसादी करके देंगे, वो अभी उसको हम आपको दिखाएंगे और फिर ठाकुर जी के चरणों में उसको रखेंगे। उससे पहले हम लोग चलते हैं पीछे गणेश जी पर मत्था टेकने के लिए, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद ले लें और फिर उसके बाद हम लोग स्वामी हरदास जी के पास चलेंगे, वहाँ बिहारी जी के चित्रपट, वहाँ बिहारी जी का चित्रपट है, वहाँ आशीर्वाद लेंगे। तो यहाँ से आप गिरिराज जी के दर्शन कर सकते हैं, और इसके बाद गणेश जी पर चल रहे हैं हम। फिर आप लोगों से आज मुझे कुछ बातें भी करनी हैं, क्योंकि वैसे बातें करते करते चल लेते हैं। देखिए, अगर आप लोगों ने 11 तारीख को जन्माष्टमी करी थी तो लड्डू गोपाल जी की जो छठी है वो आज है, और अगर आपने 12 तारीख को जन्माष्टमी करी है तो लड्डू गोपाल जी की जो यानी छठी है वो कल है। और कुछ लोगों ने पूछा था कि बलदेव छठ कब है, तो बलदेव छठ जो है वो 24 तारीख की है, बलदेव दाऊ जो मंदिर है दाऊ जी का पहले वहाँ मनाई जाती है। कुंज बिहारी श्री हरदास। और आज बिहारी जी ने येलो कलर की पोशाक धारण की हुई है, कल भी आज भी उनकी पोशाक अलग अलग डिज़ाइन है लेकिन कलर सेम है। और अब हम इसके बाद चलते हैं ऊपर स्वामी हरदास जी से रूबरू होने, स्वामी हरदास जी से मुलाकात करने, स्वामी हरदास जी पर मत्था टेकने के लिए उनके पास, और स्वामी हरदास जी का आशीर्वाद लेने के लिए। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि कल हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो कि वृंदावन के बाहर है, लेकिन
जितना ये सारा मंदिर का, निधवन का जो बेस है, जो कहाँ से सब कुछ शुरू हुआ, ये सारी लीला कहाँ से शुरू हुई इस कलयुग में, हम वहाँ जाएंगे। कुंज बिहारी श्री अरदास बोलेंगे सभी लोग। जय बिहारी जी की, श्री अरदास। देखिए सबसे अच्छी चीज़, देखिए इनके दर्शन आप कर रहे हैं श्री अरदास, तो इनके पीछे का जो व्यू है, देखिए एक ऊपर एक पक्षी बैठा है, पूरा यमुना जी साथ में बह रही हैं, और पूरा एक वृंदावन का, निकुंज वन का एक व्यू नज़र आएगा। और आज तो स्वामी जी के दर्शन है भी चल रहा है थोड़ा। कुंज बिहारी श्री हरदास। तो बात ये करना चाहता था, चाहते हम कि कल हम ऐसी जगह जाएंगे कि जहाँ से ये सारा यहाँ से एक बार मंदिर का व्यू देख सकते हैं। बिल्कुल इसी पर्दे के पीछे ठाकुर जी अपने भक्तों को निहार रहे हैं मानसिक रूप से। हाँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल हम ऐसी जगह जाने वाले हैं, और उसका जो टाइम है वो हम फिक्स कर लेते हैं अभी। अराउंड कल हम 1:30 to 2 o'clock के लगभग लाइव आएंगे, और आप हमारे साथ जुड़िएगा लाइव में। और जितना भी बेस मंदिर का, बांके बिहारी मंदिर का जो बेस बना, निधवन का जो बेस बना, बिहारी जी प्रकट हुए, स्वामी हरदास जी का, तो वो सारा कुछ जो बेस जहाँ से स्टार्ट होता है, हम वहाँ चलेंगे। जैसा कि हमने कल बहुत अच्छा हमारा लाइव सेशन रहा था, और बिहारी जी के बगीचे में, उनके फार्म हाउस में हम गए थे, उनके फूल, तो सोचिए कितने, हमने बताया था कि वो पशु पक्षी, वो छोटे छोटे से कीड़े जो हैं, जो कितने, मतलब जितने भी मक्खियां हैं, जितने भी वहां पर जो भी फूलों को स्पर्श करते हैं, उन पर घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं वहां पे पशु पक्षी वगैरह, वो सब कितने लकी हैं कि वो उन फूलों को टच कर रहे हैं जो ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पित होंगे, जिनसे कि ठाकुर जी का फूल श्रृंगार बनेगा। एक एक कली, एक एक चीज़ चुन चुन के बनाई जाती है, चुन चुन के रखी जाती है, चुन चुन के पूरी माला को कोया जाता है फूल श्रृंगार की। जो आपने देखा होगा ठाकुर जी फूल के कुंडल पहनते हैं, गले में हार पहनते हैं फूल का, वो वहीं से आते हैं सारे फूल ठाकुर जी के लिए। और जो हमने आपको प्रसाद में दिखाया था, अचार वगैरह, नींबू का अचार दिखाया था हमने, बहुत टेस्टी होता है, वो भी वहीं से आता है। और बहुत सारी और भी चीज़ें थी कि जो, जैसे कि जो बिहारी जी में कच्चा प्रसाद बनता है दिन में, तो वो जो है चूल्हे पर बनता है, और उसके लिए जो लकड़ियाँ इस्तेमाल में ली जाती हैं वो भी वहीं से आती हैं, बल्क में आके पहले रसोई में रख दी जाती हैं, कुछ दिन यूज़ में हो जाती है, फिर जब ख़त्म होने वाली होती है तो फिर से वहाँ से आ जाती है। तो ये सारा जो ठाकुर जी के प्रसाद से रिलेटेड, फूल श्रृंगार से रिलेटेड जो भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है, वो वहीं से है। तो वो हमने चीज़ आपको दिखाई। और इसके साथ, अच्छा, मुझे आप में से किसी के मैसेज नहीं दिख रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, या आप लोग पता नहीं टाइप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कुंज बिहारी श्री अरदास वगैरह कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, अब देखे हैं, पता नहीं। तो जो भी, अब हम कल जहाँ जाएंगे
तो ये तो था प्रसाद और फूल श्रृंगार का बेस। अब हम जहाँ जाएंगे वो सारा जो बेस है सब इस कलयुग में, जो आप लोग और जो मैं, जो हम ही सब लोग जो ठाकुर जी को यू नो मत्था टेक रहे हैं, ठाकुर जी के आशीर्वाद ले रहे हैं, तो वो सारा बेस कहाँ से स्टार्ट हुआ? वो सारा यू नो एक बेस जो कहते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट जो कहते हैं वो कहाँ से हुआ, वो जानेंगे कल हम। तो इसको भी थोड़ा सा सस्पेंस रहने देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कल परसों मेरे पास काफ़ी मैसेजेस थे कि आप रिवील कर दीजिए, बता दीजिए, बट मैंने कहा नहीं, अभी उसको बना रहने दीजिए। तो कल बहुत अच्छा लगेगा आपको। और कल मंडे है तो हम ये सोमवार को क्यों रख रहे हैं उसके पीछे भी रीज़न है, वो भी कल आपको पता चलेगा। क्योंकि सोमवार जो होता है शिव जी का दिन है, चलिए इतना बता देता हूँ, तो बस उसी से कुछ रिलेटेड है जो कि कल हम चलेंगे। और उसके लिए हमें थोड़ा उसके लिए हमें वृंदावन से बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन जाएंगे आप लोगों को जोड़ने के लिए, आप लोगों को वो चीज़ दिखाने के लिए। और मैं खुद भी काफ़ी टाइम बाद वहाँ जाऊँगा, वहाँ पर भी बड़ा आनंद आता है। वो भी स्थान जो है अलौकिक है, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है वो। तो आप लोग कल हमारे साथ 1:30 से 2 बजे का टाइमिंग हम रखते हैं, क्योंकि फ़िक्स टाइम पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, तो क्योंकि वो काफ़ी यहाँ से दूर है तो इसलिए हमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो आप लोग हमारे साथ कल ज़रूर जुड़िएगा 1:30 से 2 बजे के बीच। आप चाहें तो अपना अलार्म सेट कर दें, आपको जिसको भी शेयर करना है शेयर कर दीजिए। और यकीन मानिए मुझे, मैं फिर से कहूँगा, जैसे मैंने बोला था ना कि हम कल बगीचे जाएंगे, परसों बोला था हमने कि, और वहाँ पर 99.9% लोग नहीं गए होंगे हमारे ग्रुप से, तो ये भी ऐसी जगह है जहाँ पर आप लोगों का ध्यान शायद कभी नहीं गया होगा। और आई थिंक 90% लोग शायद वहाँ नहीं गए होंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग उसी के आसपास रहने वाले हों तो शायद वो लोग गए हों, तो ये भी हो सकता है। तो इसीलिए 90% लोग तो नहीं गए होंगे। तो कल हम ऐसी जगह जाएंगे 1:30 से 2 बजे के बीच में, तो आप लोग रेडी रहिएगा, अलार्म वगैरह सेट कर लीजिएगा। अलार्म वगैरह सेट कर लीजिएगा सो दैट आप लोगों को याद आ जाए। और वैसे तो मुझे पता है कि बिना अलार्म के भी आप लोगों को याद रहेगा, क्योंकि एक्साइटमेंट भी आप लोगों की ज़बरदस्त बनी रहती है, मैसेजेस मिलते हैं मुझे कुछ लोगों को तो नींद भी नहीं आई थी ढंग से, लेकिन ऐसा नहीं है, पहले आप आराम से सोइए ताकि फ्रेश अप होके फ्रेश माइंड से फ्रेश मूड से आप लोग उस जगह का मानसिक रूप से दर्शन करें। और तो वहाँ हम एक छोटी सी, हमें बहुत छोटी सी, क्योंकि बहुत बड़ी तो नहीं, वो छोटी सी माँ सेवा भी रखेंगे कल एक, तो और वो भी हम अपने ही ग्रुप मेंबर्स में से, देखिए जो आप लोगों ने हमारे साथ जो आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है जो सेवा के लिए, तो हम उसी में से ही सेवा रख रहे हैं वहाँ छोटी सी। तो आप लोग, वो एक सेवा आप लोगों की तरफ से भी है और एक मेरी तरफ से भी है, तो आप लोगों की अलग है मेरी अलग है, हालांकि उसको हम सेपरेट सेपरेट करेंगे, लेकिन सेवा दोनों की सेम है। जो मैं अपने लिए करने वाला हूँ वो आप लोगों के तरफ से भी करूँगा। तो कल हम चलते हैं वहाँ 1:30 से 2 बजे के बीच, और अब हम चलते हैं बिहारी जी की चौखट पर मत्था टेकने के लिए। और अब हम उस पेंटिंग को भी उजागर करेंगे और ठाकुर जी के चरणों में फिर से अर्पण करेंगे। कल तो हमने रखी थी, और सबसे अच्छी बात देखिए, कल प्रसाद के टाइम पर जब भोग आ रहा था बिहारी जी का, उस टाइम हमने वो पेंटिंग रखी थी, और भोग के टाइम वो पेंटिंग बिहारी जी के पास रही थी, और आरती के टाइम भी वो पेंटिंग वहीं रही थी। तो उस पेंटिंग में कितना आशीर्वाद ठाकुर जी ने दिया, इतनी कृपा ली कि हम आए तो थे कि हमें पता नहीं था कि भोग आ जाएगा उस टाइम पर, और भोग आया और उस टाइम रख दी वो पेंटिंग। तो अब आप लोग हमारे साथ और अब हम लोग आ चुके हैं बिहारी जी की चौखट पर मत्था टेकने के लिए, तो यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास। और
आप लोग यहाँ थोड़ी देर आनंद लीजिए, तब तक हम वो पेंटिंग लेकर आते हैं। हम लोग पेंटिंग ले आए हैं और ये है वो पेंटिंग बिहारी जी की। बांके बिहारी जी में ये राधा जी हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है राधा और कृष्ण का मिला जुला रूप है बांके बिहारी। और स्वामी हरदास जी भी विराजे हुए हैं, साथ में ठाकुर जी की छड़ी है, ठाकुर जी का कंप्लीट श्रृंगार है, राधे राधे भैया माता लगा लो चौखट पे। और ठाकुर जी की बहुत ही सुंदर ये बांसुरी है। और अब हम देखिए कितना तेज है फेस पर ठाकुर जी के, सेवा चल रही थी, मैंने भैया को मत्था टेकवा दूं। ये राधे राधे भैया, हमारा माथा लगा लो एक बार और लगा लो। जय बिहारी जी, कुंज बिहारी श्री हरदास। राधे राधे भैया है, राधे राधे भैया। तो आप लोगों ने देखा पेंटिंग को, और यही हम ठाकुर जी के अभी चरणों में रखेंगे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और अभी क्योंकि झांकी खुल गई है थोड़ी देर के लिए, तो इसीलिए हम अभी यहाँ पर ले आए आपको। और कल 1:30 से 2 बजे के बीच हम मुलाकात करेंगे, आप लोगों को लेकर चलेंगे जी। जिसको भी ये पेंटिंग चाहिए होगी ना, वो आप हमें कोई लिस्ट बना लीजिए कोई भी एक जना, या फिर मैं एक पोस्ट डालता हूँ उसमें पेंटिंग की फ़ोटो डालता हूँ, और उसमें आप लोग कमेंट्स में डाल सकते हैं कि जिन जिन को ये पेंटिंग चाहिए होगी वो बता सकते हैं। लेकिन अभी मिलेगी थोड़े से वक्त बाद, क्योंकि अभी कवर फ़ोटो के लिए है, फिर उसके बाद हम इसको इसके और भी यू नो प्रिंट निकालेंगे, इसका पूरा फ्रेमिंग कराएंगे, और वो सारी की सारी जितने जैसे आप लोगों के बताते जाएंगे आप लोगों को चाहिए उसके हिसाब से ही हम फिर उसको प्रसादी करके आप लोग जब आएंगे तब आप लोग हमसे ले सकते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसके लिए आप पर्सनली आएँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम वो नहीं कराएंगे इसको, क्या बोलते हैं, हम आपको कुरियर नहीं कराएंगे, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आप बिहारी जी को लेकर जाओगे तो आप खुद आके लेके जाइए, बिहारी जी को कुरियर के ज़रिए नहीं, क्योंकि वो भाव आप जो पेंटिंग में हम दे रहे हैं आपको वो भाव ही होना चाहिए ले जाने के लिए भी। कुंज बिहारी श्री अरदास। और बहुत सी और चीज़ें थी लोग जो पूछना चाह रहे थे हमसे, वो पूछ सकते हैं, जो आपके सवाल थे कुछ लोगों के हमारे, कि लड्डू गोपाल जी के हमने बता दिया है कि जो छठी है वो कल है, 12 तारीख की जन्माष्टमी थी बिहारी जी में उस हिसाब से, और बलदेव
जी की जो छठ है वो 24 तारीख की है, और कल मुलाकात करते हैं, कल मुलाकात करते हैं हम लोग आप लोगों के साथ और 1:30 से 2 बजे के बीच। और अभी हम ये पेंटिंग अंदर देंगे आप लोगों के सामने। या ये सभी भक्तों की तरफ से गोस्वामी जी इसको ठाकुर जी के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में हम रखवा देते हैं ये आशीर्वाद के रूप में। तो अब ये चरणों में रख दी है और ये हम पेंटिंग अब लेंगे आरती के बाद। तो कल हम आप लोगों से मुलाकात करेंगे 1:30 से 2 बजे के बीच में, एक बेस ऐसी जगह जहां बहुत आनंद आने वाला है आपको, वृंदावन से बाहर है कुंज बिहारी श्री हरदास। और ये हमारे भ्रमण का सेकंड पार्ट है, कुंज बिहारी श्री हरदास। जय बिहारी जी।